दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आपने टाइटल पढ़ी लिया है, ये क्वेश्चन का जवाब देते देते मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सदियां बीत गई हैं। मतलब जब से सप्लीमेंट्स विला परिवार हुआ इतना बड़ा और हम सब ने अपना जो है सफर जारी किया, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स और एक दूसरे का प्यार बांटना, सारी चीजें, तब से ये सवाल आ रहा है, हर बार आता है और अब फिर आ रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना देता हूं। वैसे छोटी छोटी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे बनाता रहता हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो उसे जरूर फॉलो कर लो। फेसबुक अकाउंट अगर फॉलो नहीं कर रखा तो जरूर फॉलो कर लो। इस पे तो ब्लू टिक भी मिला हुआ है यार, तो इसे फॉलो कर लो आप। क्या सेक्स प्रॉब्लम होंगी प्रोटीन खाने से, गेनर खाने से, प्री वर्कआउट खाने से, ये खाने से, वो खाने से? कहीं ऐसा तो नहीं इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाए, स्पर्म काउंट कम हो जाए? और लड़कियां भी पूछती हैं कि अभी तो हम कुंवारी हैं भैया, ऐसा ना हो कि जब हमारी शादी हो तो हमको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आए। जैसे वो फैट बर्नर वगैरह मोस्टली लड़कियां लेती हैं, मास गेनर लेती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि ऐसा सच में कुछ होता भी है या नहीं होता। तो दोस्तों देखो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये डिपेंड करता है कि आप सप्लीमेंट कौन सा, कब और कहां से चूज कर रहे हैं। आप सप्लीमेंट कौन सा चूज कर रहे हैं? क्या आप सप्लीमेंट नकली ले रहे हैं, ओरिजिनल ले रहे हैं? पैसे बचाने के लालच में आप सप्लीमेंट कहां से ले रहे हैं? इधर से ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स विला से ले रहे हैं? और आप सप्लीमेंट कब चूज कर रहे हैं? कब चूज करने का मतलब भाई जब आपको जरूरत है तब चूज कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है फिर भी लिए जा रहे हैं? तो ये तीन चीजें हैं या तीन स्टेज हैं जो आपकी ओवरऑल सेक्सुअल लाइफ को मतलब मैटर करेंगी या फिर जो है उसको इफेक्ट करेंगी। पहली स्टेज अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ओरिजिनल, दूसरी स्टेज अगर आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स सप्लीमेंट्स विला से, जो कि आज पूरे इंडिया का भरोसा बन चुका है। और अगर आपको सप्लीमेंट की जरूरत है तभी आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो मेरा आपसे वादा है कि आपको कभी भी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम एक्स वाई जेड और आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज कुछ भी नहीं होगा यार। असली दिक्कत आती है तब जब आप सस्ते के चक्कर में कि भैया सप्लीमेंट्स ला पे तो 200-400 महंगो मिल रहा है, हमको 200-400 सस्ता वहां से मिल रहा है, आप भाग जाते हो उधर 200-400 बचाने के चक्कर में, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और उसके बाद फिर आपको साइड इफेक्ट होते हैं। या फिर आप जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में गलत चीजें लेते हैं, गलत चीजें इन द सेंस आप समझ रहे हैं, जिससे आजकल जिमों में जो ये है हार्ट फेल के आप केसेस देख रहे हैं, स्टीरॉइड्स अगर आप ये ले रहे हैं, जो कि आजकल दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है, 90% से ज्यादा जिमों में जो है स्टीरॉइड्स या तो लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। तो अगर आप जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, कुछ गलत चीज ले रहे हैं, तो आपको साइड इफेक्ट जरूर होंगे। अदरवाइज साइड इफेक्ट होने का मतलब सेक्सुअल साइड इफेक्ट होने का कोई भी मैटर नहीं बनता। क्योंकि दोस्तों अगर ओरिजिनल सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स वाला से लिया गया है, चाहे आप प्रोटीन ले लें, चाहे आप मास गेनर ले लें, प्रोसेस फूड है, मतलब नेचुरल फूड से प्रोसेस करके बना दिया गया है। जैसे अगर मैं वे प्रोटीन की बात करता हूं तो ये दूध से बनता है यार, दूध से किसको सेक्सुअल साइड इफेक्ट होते हैं मुझे बता दो। मतलब दूध इतने मतलब जो है भगवान श्री कृष्ण के टाइम से पिया जा रहा है, दूध सभी पीते हैं दूध, भाई दूध पीने से किसको सेक्स प्रॉब्लम हो जाती है मुझे ये समझाना जरा। तो सेम चीज वे प्रोटीन है यार, दूध से प्रोसेस करके बना दिया गया है। फिर इसमें दूध में फर्क क्या है भाई? इसमें दूध में फर्क ये है कि दूध को अगर आप पियोगे तो दूध पीना अपने आप में एक मतलब जो है टाइम कंज्यूमिंग, मतलब पचेगा वो, फिर प्रोटीन मिलेगा तो पूरा सिस्टम रहता है। बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस रहती है तो इसलिए जो है उसको दूध पीने से लूज मोशन लग जाते हैं, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, तो इनसे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दूध से प्रोसेस करके वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में बना दिया गया, जल्दी पचेगा, जल्दी रिकवरी देगा, जल्दी सब कुछ करेगा और प्रोटीन मिलेगा इसमें आपको। वे प्रोटीन, प्रोटीन भाई हमारी बेसिक नीड है, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, हमारी बेसिक नीड है। तो किसको होते हैं भाई इनसे साइड इफेक्ट? सेक्सुअल साइड इफेक्ट। इनसे आपको सेक्सुअल बेनिफिट्स तो मिल सकते हैं पर साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते। सेम अगर मैं मास गेनर की बात करूं तो भाई जिनका दुबला पतला शरीर होता है, जिनको खाया पिया लगता नहीं है, अगर वो अपना वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, शरीर को भरना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मास गेनर्स हैं। इसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ है इनके अंदर। तो आप अगर खुराक खाओगे तो आपकी सेक्स परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी या डाउन होगी, मुझे इस बात का जवाब आप खुद ही दे दो। बस मैंने आपको बोला कि वो तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं उनका ध्यान रखना है आपको। उनका ध्यान क्या रखना है? उनका ध्यान ये रखना है कि आप ओरिजिनल लो, सप्लीमेंट्स विला से ही लो, और जिस सप्लीमेंट की जब जरूरत है तभी लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वेट है 80 किलो और आपने मास गेनर खरीद लिया तो भाई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? आपने सुना होगा कि ओवरवेट, ओवरवेट से या ओबिसिटी से जो है
सेक्स समस्याएं होती हैं। सुना होगा आपने भाई, जिसका वजन होना चाहिए 70 किलो, उसका वजन हो गया 100 किलो, तो भाई नेचुरल सी बात है उसकी हार्ट परफॉर्मेंस से लेके उसके लंग्स कैपेसिटी, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, सब में सेक्सुअल प्रॉब्लम, सब में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज समझने की है आपको, जब जिस सप्लीमेंट की जरूरत है तब आप उसी सप्लीमेंट को चूज करो। और ये सलाह भी आपको सप्लीमेंट सलाह पर मिलेगी कि आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। आप काफी बार पूछते भी हैं और आप करते भी हैं और हम आपको सलाह देते भी हैं कि भैया मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूं, आप अपना फोटो भेजो हमें, अपनी एज भेजो, अपनी हाइट भेजो, अपना वेट भेजो, हम आपको बताएंगे कौन सा सप्लीमेंट आपके लिए सही रहेगा, चूज आप करेंगे। तो ये चीज समझें आप, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का कभी कोई नुकसान नहीं होता। और मैं आपको पर्सनली भी अपना भी एक्सपीरियंस बता सकता हूँ भाई, प्रोटीन खाते खाते तो मुझे भी जो है ना मतलब 12-14 साल हो गए हैं यार, मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरा तो एक बाल तक नहीं झड़ा। पता ही नहीं कैसे जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि वो नकली सप्लीमेंट खाते हैं, वो स्टीरॉयड्स की तरफ भागते हैं, वो जल्दी बॉडी बनानी है उनको और वो जोश में ज़्यादा रहते हैं। और बॉडी बनाना या अपने फिटनेस गोल्स अचीव करना जोश का काम नहीं है, होश का काम है, क्योंकि जोश ठंडे होने में टाइम नहीं लगता। और होश के साथ अगर जोश आएगा, मतलब पहले होश होना चाहिए फिर जोश, पर हमारे यहाँ होता है पहले जोश फिर होश, नहीं जोश जोश में कोई गलत स्टेप उठ जाता है उसके बाद फिर जब होश आता है तो बहुत कुछ साइड इफेक्ट हो चुके होते हैं शरीर में। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप अगर सप्लीमेंट्स ओरिजिनल लेंगे, सप्लीमेंट्स वाला से लेंगे तो मेरा वादा है आप कोई भी सप्लीमेंट लो, प्री वर्कआउट, फैट बर्नर, प्रोटीन गेनर, आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होता। और दोस्तों ये पूरा यार गवर्नमेंट अप्रूव होते हैं, FSSAI अप्रूव होते हैं, पूरी जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है गवर्नमेंट की, इंडिया का जो पैरामीटर जिसे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट पैरामीटर, जिसमें जो है वो रूल रेगुलेशन बताते हैं कि भाई आपको इतनी चीज इतनी डालनी है, इतनी चीज, उस पर पूरे खरे उतरते हैं ये, तभी तो मार्केट में सेल हो रहे हैं। गवर्नमेंट इन पर बकायदा टैक्स लेती है आपसे, गवर्नमेंट ऐसी किसी चीज को अलाउ नहीं करेगी से किसी को कोई परेशानी हो जाए। और ये तो मतलब जो है ना इनका तो रॉ मटेरियल या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी USA वगैरह इतने जो है कंट्री से होती हैं, इंडिया में जो है आते हैं तो पूरे मतलब टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि यूं ही आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बस आपको ये है कि भाई ओरिजिनल लेना है, बजट नहीं है तो बेशक मत लो सप्लीमेंट, पर लेंगे तो ओरिजिनल सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से। तो भाई निश्चिंत होकर ऑर्डर करो, आपको कभी भी कोई परेशानी आएगी, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ इनका एक जरूर मैं कहूँगा घाटा है भैया, रिजल्ट इनसे स्लो मिलते हैं भैया। अगर आप बात करो स्टीरॉयड्स की, नकली सप्लीमेंट्स की, भैया वो रिजल्ट भी बूम देते हैं, ऐसे देते हैं बिल्कुल महीने भर में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, पर इनसे भैया धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे रिजल्ट मिलते हैं। पर हाँ जो रिजल्ट मिलते हैं वो टिकते हैं, नुकसान कभी कुछ नहीं होता है। इस वीडियो को अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप निश्चिंत रहें, आप अपने बच्चे को भेजें सप्लीमेंट्स वाला, मेरा वादा है उसको कुछ नहीं होने दूंगा। क्योंकि पेरेंट्स का डर रहता ही है यार कि कहीं इस डिब्बे से ये तो नहीं हो जाए, वो तो नहीं हो जाए, कुछ नहीं होगा इन डिब्बों से, निश्चिंत रहो आप, आपके बच्चे की जो सेहत है वो सुधरेगी, नुकसान नहीं होगा। तो भेजो आप सप्लीमेंट्स अपने बच्चे को, मेरा वादा है कभी कुछ नहीं होने दूंगा। और ये वीडियो दिखा दो अपने पेरेंट्स को, ओपनली बोल रहा हूँ आपके पेरेंट्स को, कुछ नहीं होगा आपके बच्चे को यार, निश्चिंत रहो और मैं कुछ होने दूंगा भी नहीं। तो आप ऑर्डर करो कुछ भी, जो भी आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के दो तरीके हैं, कुछ भी आपको पूछना है उसके भी दो नहीं, उसका तो एक तरीका है, वो तरीका ये है कि कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है, व्हाट्सएप करो या कॉल करो, कुछ भी पूछना है कुछ भी ऑर्डर करना है आपको, व्हाट्सएप करेंगे रिप्लाई थोड़ा फास्ट मिलेगा क्योंकि कॉल बहुत सारी वेटिंग में लगी रहती है, व्हाट्सएप करो तो फास्ट रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी पूछना चाहते तो ऑर्डर करने का भी सेम प्रोसेस है, या फिर एक और प्रोसेस है ऑर्डर करने का कि आप supplementsala.com विजिट करो, वहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी सब मिलेंगे, या फिर supplementsala के जहाँ पर आउटलेट्स है वहाँ पर जाओ, कोई भी सवाल है कुछ भी आपको परचेस करना है, क्योंकि मैं जाके ही परचेस करूँगा शॉप पे, तो आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हो। वहाँ पर जैसे आप जो है अभी मैं बैठा हुआ हूँ, जो ये वीडियो बन रही है सप्लीमेंट्स वाला पलवल हरियाणा, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, अगर पलवल आसपास रहते हो आप जा सकते हो। सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली रोहिणी आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला दिल्ली कालका जी, सप्लीमेंट्स वाला गाजियाबाद आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला अलीगढ़ आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला मेरठ आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला मथुरा आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला लुधियाना पंजाब आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला जयपुर राजस्थान आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला आगरा आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला कानपुर आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला लखनऊ आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला ग्वालियर आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला पलवल हरियाणा आउटलेट, सप्लीमेंट्स वाला गुरुग्राम आउटलेट। यहां पर तो आउटलेट्स ओपन हो गए हैं, जल्दी और जगह भी आउटलेट्स ओपन होंगे। भैया पुणे डालो, पुणे भी डलेगा भाई, जल्दी पटना बिहार में आउटलेट ओपन होने वाला है। और ये जितने भी आउटलेट्स हैं ना सब आपके अपने फ्रेंचाइजी वाले नहीं है, मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है ग्वालियर से या लुधियाना से या पलवल से, वो सब कुछ सेम है, कोई भी उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले नहीं है आपके अपने। तो भैया समझ आ गई, इससे कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, डाउन नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ऑर्डर करो कुछ भी, और भी कुछ सवाल है ऐसा भाई आपके मन में बता दो मुझे, मैं वीडियो बना दूंगा उसको, मुझे कोई ऐतराज नहीं है आपको समझाने में, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जो भी सवाल है पूछो कमेंट करके।
अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहो, नमस्कार।